सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हमेशा से चर्चा में रही केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर एक बार फिर मुसीबतों का बादल मंडराने लगे हैं। इसका कारण कोई और ही नहीं बल्कि उनके ही संसदीय क्षेत्र से उठने वाली वह आवाज है जिसमें कई संगठन बुंदेलखंड राज बनाने की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं। बुंदेलखंड राज की मांग को लेकर आज संगठनों ने झांसी SSP से लिखित शिकायत करते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ वादा खिलाफी कर जनता को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कि गत लोकसभा चुनाव में उमा भारती जी ने हर मंच से ये घोषणा की थी कि मोदी सरकार बनने के 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने भी उनकी बातों का समर्थन किया था मंचों से। उमा भारती जी ये भली प्रकार जानती हैं कि बुंदेलखंड का ये भावनात्मक मुद्दा हर बुंदेलखंड वासी के हृदय में वास करता है। ऐसा है कि वादा खिलाफी के विरोध में हमने प्रार्थना पत्र दिया है SSP साहब को कि जिन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हथियाने का काम किया, सांसद बनने का काम किया, मंत्री बन गए और सरकार बन गई, परंतु उन्होंने जो वादा किया था जनता के साथ उसको पूरा नहीं किया और 3 साल पूरे हो गए हैं, अतः उनके विरुद्ध झूठ बोलने का, वादा खिलाफी करने का आरोप तय हो। वहीं उमा भारती ने 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में कहा था कि बुंदेलखंड में सबसे अधिक संख्या गरीबों की है, इसलिए यह राज्य बनना चाहिए। क्या देना चाहेंगे? मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि मैं आज ये बोल के जा रही हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा और जो नारा लगा और इस बुंदेलखंड राज्य में हम रामराज लाएंगे, भगवान राम राजा सरकार जो है वो इस बुंदेलखंड राज्य के राजा होंगे और आज की तारीख से 3रा साल खत्म होते होते बुंदेलखंड राज्य। उमा भारती के खिलाफ झांसी SSP ने शिकायती पत्र और उमा भारती के बयान की CUD भले ही ले ली हो, लेकिन अब देखना है कि SSP इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। SPN न्यूज रूम की रिपोर्ट।